सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मानां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नित्याप्रकम्पाद्भुतकेवलोगा स्फुरन् मनः पर्यै शुद्धबोधा दिव्यावदी ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिय सुपरमर्शयोन कोष्ठस्तदान्योपममेकबीजं संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दास्वादन ग्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। ये चौथा नौन मौन कौन कौन हाँ कौन, जैसे बेल बज गई कौन आया कौन जाएगा दखलंदाजी हाँ दखलंदाजी नहीं करना हाँ कि भाई कौन हाँ क्या कर रहे हो क्या है क्या नहीं पंचायत नहीं करना वो है प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि का अर्थ ये है कि प्रत्येक बुद्धता का मतलब ज्ञान संयम विधान निपुणत्वम ज्ञान और संयम इनके विधान में इनका जो पद्धति है स्वरूप है ज्ञान और संयम व्रत तप आदि के विधान अर्थात पद्धति उसमें निपुणत्व विचक्षणता उसमें सर्वांगीणता पारंगतपना इसको प्रत्येक बुद्धता कहते हैं। ये भी ज्ञान का प्रकार है इसलिए इसको बुद्धि रिद्धि कहा गया है। ज्ञान का प्रकार होने से बुद्धि रिद्धि कहा गया है। वस्तु स्वरूप के अनुसार जो है वो सम्यक ज्ञान का प्रकार है और वस्तु स्वरूप से विरुद्ध वो अज्ञान का प्रकार है। वस्तु स्वरूप के अनुसार जो ज्ञान पाया जाता है ऐसे ज्ञान के साथ निराकुलता निवास करती है और वस्तु स्वरूप से विरुद्ध जो ज्ञान है ऐसे ज्ञान के साथ आकुलता निवास करती है। जीव निरंतर प्रयत्न करता है
प्रयत्नशील रहता है, सभी प्रकार से उद्यम करता है निराकुल होने के लिए। जिनागम में निराकुल होने के लिए सरल सा मार्ग बताया कि बाहर कुछ भी उद्यम नहीं करना, कर्तृत्व आदि बुद्धियों को धारण नहीं करना, अपने आप कषायें मंद हो जाएगी। सच्चे तत्व ज्ञान के साथ कषायों का अभाव नियम से होता है, ये तय है कि कषायें हैं, आकुलता है। इसका मतलब हम अभी तत्व ज्ञान से दूर हैं। तत्व ज्ञान जब तक अवतरित नहीं होता है जीवन में, तब तक आकुलता निरंतर बनी रहती है। शास्त्र पढ़ने को हम तत्व ज्ञान मानते हैं तो ये हमारी भूल है। 11 अंग तक का भी ज्ञान हो जाए और यदि वो शास्त्र ज्ञान है और बहुत गहराई तक हमको जिनागम का ज्ञान है, क्योंकि जिनागम में विषय बहुत है और उन विषयों में से कुछ विषयों का ज्ञान हमको हो गया या सारे विषयों का ज्ञान हो गया, और शास्त्र के आधार से हम माने कि ज्ञानी हो गई, तो तत्व ज्ञान अभी बहुत दूर है। जिनागम सीधा सा सिखाता है कि भाव भाषण पूर्वक जो ज्ञान होता है वो सच्चा ज्ञान है, और भाव भाषण की शुरुआत आत्मश्रद्धान और आत्मानुभूति से होती है। जिसे आत्मानुभूति नहीं, आत्मश्रद्धान नहीं या सम्यक दर्शन नहीं, उसको भाव भाषण का अभाव है, और भाव भाषण के अभाव में कितने ही शास्त्र पढ़ लिए जाए, तत्व ज्ञान या आगम का मर्म परिणति में प्रकट नहीं होता। और तत्व ज्ञान पूर्वक भाव भाषण पूर्वक 2 अक्षर भी पढ़ने में आ जाए या अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और मोक्ष का कारण है। चर्चा प्रत्येक बुद्धता की है, ये बुद्धि रिद्धि है, और बुद्धि रिद्धि का मतलब ज्ञान रिद्धि। इसमें प्रत्येक बुद्धता में ज्ञान और संयम से संबंधित जो पद्धति है, विधान है, वो अपने आप प्रकट होता है, तो ये प्रत्येक बुद्धत्व माना जाता है और रिद्धि है। गुरु के द्वारा सीखा जाए तो ये रिद्धि नहीं है। कर्म के विशेष क्षोभशम से अपने आप ज्ञान और तप के विषय में प्रगति होती है, उसकी पद्धति की जानकारी होती है, और कोई पूछे तो उसका सूक्ष्म निरूपण करने की सामर्थ्य होती है, तो इसे प्रत्येक बुद्धता कहने में आता है। समवसरण जैसे तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य का उत्कृष्ट फल है, या यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य या जीव उत्कृष्ट पुण्य बांधता है तो समवसरण के रूप में वो फलता है। समवसरण बाह्य पक्ष है, अंतरंग पक्ष में जो अनंत विशुद्धि पाई जाती है वो है। और कल्पना करें कि तीर्थंकर प्रकृति, यदि तीर्थंकर का जीव नहीं होता
तो आज हमको ये शब्द भी पढ़ने को नहीं मिलते, मतलब जीवों को मोक्ष मार्ग, सुख का जो मार्ग है, तीर्थंकरों के द्वारा ही निरुपित होने से प्राप्त है। इसलिए मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, मूल जो ग्रंथ करता है वो सर्वज्ञ परमात्मा को कहा जाता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, वैसे ही मुनिवरों के द्वारा पूर्व में या उस पर्याय में बांधा हुआ जो उत्कृष्ट पुण्य है उसका फल ये 64 रिद्धियां हैं तीर्थंकरों की, केवली को शामिल करके केवल ज्ञान रहित 63 और केवल ज्ञान रिद्धि, सिर्फ अरहंत और सिद्धों के हैं इसलिए उसको छोड़ करके 63 रिद्धियां ये मुनिराजों के द्वारा बांधे हुए उत्कृष्ट पुण्य का फल है। रिद्धि कहो या चमत्कार कहो, बिना सिखाए ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसा चमत्कार सिर्फ जैन दर्शन में ही संभव है, अन्य दर्शनों में तो सब काल्पनिक है, वास्तविक तो है नहीं। यथार्थ वस्तु स्वरूप से जुड़ा हुआ तो एकमात्र जैन दर्शन है, और इस दर्शन में ही ऐसा चमत्कार संभव है। देखो, जब तक इच्छा रहती है तब तक ऐसा चमत्कार नहीं होता। कि जब ये जीव संसार में मिथ्यात्व सहित भटकता है तो मिथ्यात्व सहित भटकते समय तो इच्छाएं होती है कि मुझे ऐसा वैभव मिले, वैसा वैभव मिले, और मिथ्यात्व समाप्त होते ही इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है। और जिनके इच्छा नहीं उनके ऐसे चमत्कार पाए जाते हैं। और मुनिराज तो भी केवल ज्ञान से पूर्व तक 10वें गुणस्थान के अंत तक कषाय सहित, लेकिन बाद में तो कषाय भी नहीं होती उनके, और कषाय सहित मान सकते हैं किसी अपेक्षा से, लेकिन इनके इच्छा नहीं है। और तीर्थंकरों की तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, जिनके इच्छा नहीं होती है उनके ही ये रिद्धियां प्रकट होती है। रिद्धियां प्रकट है तो इच्छाएं नहीं है, और जब इच्छाएं होती है तब रिद्धियां नहीं होती है ना, उल्टा खेल। जब रिद्धियां इच्छा रहती है जीव को कि लौकिक में ये मिले वो मिले, सारा वैभव मुझे ही मिले, और इच्छा कैसी है दिखाई नहीं देती। आत्मानुशासन में एक श्लोक आता है और जिसका स्वाध्याय लगभग सभी ने किया होगा, आशा गर्तह प्रति प्राणी, आशा गर्तह आशा रूपी गड्ढा प्रति प्राणी, सभी प्राणियों के भीतर, सभी मतलब मिथ्यात्व सहित जितने भी प्राणी हैं, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों चोली दामन का साथ है। तो नेमीचंद जी रखियाल वाले एक बात समझाते थे, जब यहाँ शिविर में कक्षा लेते थे वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की, तो कहते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया, उसके फल में वो नरक गए। उसको वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसी अनंत सीताएं होती तो भी अभिप्राय में उसके अभिप्राय में ये बात रही, सिर्फ एक सीता के कारण से नरक नहीं गया, अनंतता जीव के अभिप्राय में पड़ी रहती है अनंतानुबंधी कषाय होने से। नहीं तो उस कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कौन कहे, नहीं है बात समझ। जैसे माँ एक पुत्र से राग करती है वो भी अनंतानुबंधी कषाय है, अब राग कर रही है एक पुत्र से, लेकिन उस एक पुत्र के राग में भी अनंतता पड़ी हुई है,
ऐसे अनंत पुत्र होते तो भी, नहीं तो उस कषाय को अनंतानुबंधी कौन कहे? समझ में आ गई बात? ये अनंतता ये पड़ी हुई रहती है, उसके फल के कारण से जो भी पाप पुण्य बंधना है या जो भी परिणाम है, परिणाम इस जाति का होता है, अनंतता लिए हुए होता है, भले ही पकड़ में आए चाहे नहीं आए। बात समझ में आ गई? बुद्धिपूर्वक तो लगता है कि हम तो इतनी सी ही कषाय कर रहे हैं, नहीं है बात समझ में? कषाय ऐसा लगता है कि हम छोटी सी कर रहे हैं, कि भैया जब तक मिथ्यात्व है तब तक अनंतानुबंधी है, जब तक मिथ्यात्व है साथ में अनंतानुबंधी है, अनादि से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली रही है। और दूसरी बात, हम यहाँ बैठे हैं और ये मान रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, जिनागम का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन क्रिया परिणाम अभिप्राय और वासना इन चारों का विचार किया जाए तो अभी भी यह जीव स्वाध्याय में नहीं, कषायों में बैठा हुआ है, और वो भी पांच इंद्रिय के विषय भोगों में। क्यों? कि अंतरंग में अभी अनंतानुबंधी सभी घाती प्रकृतियाँ निरंतर बंध रही है। केवल इतनी सी बात है कि अंतर की प्रकृतियाँ तो ज्यों की त्यों हैं, बाहर की तीव्रता की जगह कषाय की सिर्फ थोड़ी सी मंदता है। इन सारी चर्चाओं का अभिप्राय इतना सा ही है कि जब तक मिथ्यात्व बैरी रहता है, और टोडरमल जी के अनुसार इसका तो अंश भी बुरा है, और ये मिथ्यात्व बैरी बैठा हुआ है, तब तक सुखी होने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। वैभव मिल जाए तो भी देव दुखी, और वैभव के अभाव में दरिद्री लोग दुखी, मतलब संसार में हर जगह दुख ही दुख है, क्योंकि इच्छाएं जीव के अंतर में निरंतर निवास कर रही हैं। और इन इच्छाओं का टोडरमल जी साहब ने चार प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनका विश्लेषण भी किया है। मुनि राजों को इच्छा नहीं होती, तब जाकर के रिद्धियाँ अपने आप प्रकट होती है, वो कहानी भी आप लोगों ने गुणभद्र शुभ चंद्राचार्य रसायन उन्होंने तपस्या के द्वारा सिद्ध किया था, तो उसको ही वो चमत्कार मान रहे थे और उसी को तपस्या मान रहे थे कि देखो मैंने मुनि बनकर कितनी कठोर तपस्या की कि मुझे रसायन प्रकट हो गया। तो उनके भाई के पास जो आधा रसायन भेजा गया था, तो आधा रसायन जब भेजा गया तो उन्होंने लात मार करके उसको बहा दिया था। अब वो लात मार करके बहा देने के बाद उनके शिष्यों ने कहा कि साहब वो तो नंग धड़ंग है, पहली बात पागल हो गए, नंग धड़ंग भी है और पागल भी हो गए वो, क्योंकि उन्होंने इतना तपस्या के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो रस था वो फेंक दिया, तो केवल वो दीन दरिद्री दुखी नहीं है बल्कि पागल भी हो गए हैं, तुम्हारा सारा का सारा रस भी उन्होंने फेंक दिया कि यार चलो भाई को देख के आना चाहिए। मुनि जीवन का स्वरूप का पता नहीं है, मुनि जीवन के स्वरूप का पता नहीं था। कायोत्सर्ग के बारे में चर्चा आवश्यक है, फिर करेंगे अपन, लेकिन कल एक नई बात पढ़ने में आ गई कि पहले तीर्थंकर के समय और 24वें तीर्थंकर के समय कायोत्सर्ग में शिथिलता आती है। समझ में आ गई? पहले तीर्थंकर के काल में और 24वें तीर्थंकर के आरंभिक और अंतिम तीर्थंकरों के काल में, पहला और 24वां ऐसा शब्द नहीं है, आरंभिक और अंतिम तीर्थंकरों के काल में
परिणामों में शिथिलता आ जाती है, कायोत्सर्ग में, और एकदम अटपटा सा लगा। ये पहली बार इस तरह का पढ़ने में आया, मेरे पढ़ने में आया तो थोड़ा सा वैसा लगा कि उन्होंने कहा क्या कहना चाहते, कि कायोत्सर्ग का मतलब ये है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, शरीर में हारी बीमारी या बाहर से सर्दी गर्मी का संयोग हो, तो कषाय के साथ शरीर का त्याग, जैसे उपवास की परिभाषा में आता है कि जहाँ पर रत्नकण श्रावकाचार में कि विषय कषाय और आहार तीनों के त्याग को उपवास कहते हैं। विषय कषाया कषायाहारो त्यागो यत्र विधीयते स उपवास विज्ञेय शेषम लंगनकम विदुः, ऐसा समंत भद्राचार्य रत्नग्रंथ श्रावकाचार में उपवास की परिभाषा कहते हैं। और उस उपवास की परिभाषा में ये बात आई है कि विषय कषाय पूर्वक आहार का त्याग होना चाहिए, ऐसे ही शरीर का त्याग कायोत्सर्ग, शरीर का त्याग जीव के स्वयं के अधीन नहीं है, क्योंकि आयु कर्म के अधीन है। इसलिए सर्वार सिद्धि में दो प्रकार की निर्जरा बताई, यत्न साध्य और अयत्न साध्य। तो बाकी जो घाती आदि कर्म हैं इनकी निर्जरा तो यत्न साध्य है, और अघाती कर्मों की निर्जरा अयत्न साध्य हैं, उनमें भी आयु कर्म, क्यों कि जीव इसमें कुछ कर नहीं सकता, बाहर के संयोगों में शरीर के संयोग में। तो कायोत्सर्ग का मतलब शरीर में जो ममता का भाव है, जिसके कारण से अंतरंग में आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, उसके त्याग को कायोत्सर्ग कहा। और प्रारंभिक और अंतिम अंत के तीर्थंकरों के समय कायोत्सर्ग में शिथिलता आती है का अभिप्राय इतना ही है कि प्रारंभ में ज्ञान का अभाव होने से, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ उससे पूर्व तक, और अंतिम जो अवसर्पिणी काल होने से, अवसर्पिणी की अपेक्षा से कथन है ये, अंतिम तीर्थंकरों के काल में परिणामों की शिथिलता होती है। और अवसर्पिणी काल सिर्फ 21,000 वर्ष का मत समझना, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक अवसर्पिणी काल समझना। जो जो उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों कषायें बढ़ती है। इसका अर्थ ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की अपेक्षा भी अवसर्पिणी समझना चाहिए ये जो काल है, क्योंकि जो 14 स्वप्न हैं उन स्वप्नों में भी यही बात आती है कि युवावस्था में धार्मिक क्रियाएं सध जाएंगी, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती जाती है कषाय की अधिकता के कारण से, और दूसरी भाषा में कहे कि स्वयं जागरूक नहीं रहने के कारण से परिणाम ज़्यादा शिथिल होते जाते हैं, कषाय ज़्यादा होने लगती है। तो अपने जीवन में भी इसका ध्यान रखना, और काल का स्वरूप तो जो है वो तो है ही, क्योंकि आपका बुढ़ापा और दूसरे की युवावस्था है तो सामने वाला तो ये क्रियाएँ कर लेगा, साध लेगा परिणामों को, क्योंकि जैन दर्शन सिर्फ इतना सा ही उपदेश देता है कि वैसा कार्य करना चाहिए जिससे कषाय की वृद्धि न हो और कषाय से भिन्न अपना स्वरूप सदाकाल दिखता रहे। एक ही बात है, या टुकड़ों में कहे तो दो बातें हैं, कि कषाय वृद्धि को प्राप्त न हो एक बात,
और सदाकाल अपना स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपना, वो कषायों से भिन्न अनुभव में आता रहे। हम दर्शन करें के स्वाध्याय करें, ये यहाँ प्रश्न नहीं है। दर्शन करो तो कषाय रहित अपने आप को अनुभव करके, परमात्मा भी कषाय रहित है ऐसा अनुभव करके, कषाय से भिन्न शुद्ध चैतन्य का अनुभव करते हुए, कषाय रहित होने के लिए पर्याय में जो कषायपना है, कषायत्व है, उसका अभाव करते हुए कषाय रहित होने के लिए दर्शन करें, स्वाध्याय भी करें तो इसी के लिए। कभी भी भूल करके भी ज्ञान की वृद्धि के लिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये थोड़े से विकल्प इस प्रकार के आ रहे हैं, कुछ तो कल पढ़ा हुआ है। क्योंकि जब वो रस फेंका गया था और मुनि जीवन का पता नहीं था, अज्ञान दशा में तो मुनि जीवन का पता नहीं कि ये तो पागल हो गए, पागल हो गए तो चलो देख के आते हैं। देख करने के लिए जब वो चले गए, मिलने के लिए गए, तो संवाद हो गया, तात्विक संवाद, एक यथार्थ मुनि का और एक काल्पनिक मुनि, कल्पनाओं के आधार पर अन्य मत निकले ना 363, ये सब पंचम काल की ही देन है। पंचम काल में, उंडा काल में 363 मत, उंडा की वजह से ये 363 मतों की उत्पत्ति हुई। और हमारी बुद्धि में भी ऐसे विकल्प रहते हैं तो हम भी 363 मतवादी हैं। जरूरी नहीं कि उनके मंदिरों में जाया जाए, पर को करता यदि यह जीव मानता है तो बुद्धि अपेक्षा यह जीव अन्य मतावलंबी है, अन्य मती है। सिर्फ अंतर इतना सा है कि वो प्रत्यक्ष मन वचन काया से वहाँ जुड़ा हुआ है, ये विकल्पों से ज्ञान से वहीं आसक्त है कि पर को कर्ता मानना यह अन्य मत का लक्षण है। जैन मत पर को सिर्फ गेय जानता है, उसके परिणामों को गेय जानता है, जीव उसका कर्ता नहीं होता है। तो बुद्धि अपेक्षा यदि कोई जीव अपने आप को पर का कर्ता मानता है तो बुद्धि की अपेक्षा वह भी अन्य मतावलंबी है। यथार्थ धर्म का पता नहीं होने से जो भर्तृहरि भाई के पास गए, वहाँ जा कर के उनसे संवाद, सत्य धर्म सामने निकल करके आ गया। और उन्होंने एक बात ये कही थी कि यदि तुझे ये सोना आदि ही चाहिए था तो हम तो राजपुत्र थे, सोना ही चाहिए था तो हम तो राजपुत्र थे, घर में क्या कमी थी सोने चांदी की, वहीं रहते तो वो सोने चांदी की कमी नहीं थी, और वहीं यदि यही कार्य करना था तो वहीं कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात, सत्य मार्ग पर, जिसके लिए याद आई कि सत्य मार्ग पर रहते हुए ये चमत्कार तो अपने आप हो जाते हैं, इस तरह का जो लौकिक कार्य है ये तो अपने आप हो जाता है। उन्होंने अपने पसीने की एक दो बूंदे पत्थर पर डाल दी, बहुत बड़ी शिला थी, वो सारी की सारी शिला सोने की बन गई। बोले क्या पड़ा इन चीज़ों में, लौकिक चमत्कारों में कोई मजे वाली बात नहीं है। वास्तव में एक ही चमत्कार जीवन में घट जाए तो दूसरे की अपेक्षा नहीं, और वो चमत्कार हम स्वयं घटा सकते हैं। वो इतना सा ही है, छोटा सा है कि अपने आप को मिथ्यात्व से छुड़ा करके सम्यक्त्व में स्थापित कर दे, बस इससे ज़्यादा चमत्कार नहीं हो तो चल जाएगा। लौकिक चमत्कारों से कोई मतलब भी नहीं है, और ये चमत्कार जीव कर सकता है। और इस चमत्कार के साथ लौकिक जो भी है पुण्य पाप, उनका उदय आता रहेगा, चलता रहेगा और वैसे भी चलेगा। सदा सुखदास जी बहुत अच्छा वाक्य
दो जगह पढ़ा मैंने मोक्ष और रत्नकंद श्रावकाचार में कि यदि यह जीव कषाय का जीवन जीता है तब भी आयु पूरी हो रही है और बिना कषाय का जीवन जीता है तब भी आयु पूरी हो रही है। जैसे किसी का वियोग हो गया, पुत्रादि का वियोग हो गया, अब यह जीव राग द्वेष करता शोक करता है तब भी वो ऐसा संयोग नहीं हो पाएगा और नहीं करता है तो भी, सभी जगह लागू कर सकते इस बात को। जीवन की कषायें या जीव की इच्छाएं वस्तु के परिणमन में अकिंचित कर है, कुछ भी नहीं करती, फिर भी यह जीव अनादि के संस्कारों की वजह से वर्तमान भी वैसे ही संस्कारों की दृढ़ता करते रहने से इच्छाएं करता है कषाएं करता है, लेकिन ऐसे जीवों को रिद्धियां प्रकट नहीं होती है। मुनिराजों की इच्छाएं नहीं है और उनकी रिद्धियां प्रकट हो जाती है। और दूसरी बात कि रिद्धि प्रकट नहीं होती है ऐसे मुनिराज कि मुझे तो रिद्धि प्रकट नहीं हुई, ऐसी दीनता का परिणाम नहीं रखते। और जिनको रिद्धि प्रकट हो जाती है वो अभिमान का गर्व का परिणाम नहीं रखते कि रिद्धि प्रकट हो गई तो बड़ा, क्योंकि मुनिराज भी इस बात को जानते हैं और जिनागम इस बात को कहता है कि रिद्धियों के कारण से कोई छोटा नहीं, रिद्धियों के कारण से कोई बड़ा नहीं है, मतलब रिद्धियों के अभाव से कोई छोटा नहीं और रिद्धियों के होने से कोई बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ तो नाप एकमात्र विशुद्धता का होता है कि जिसके परिणामों में विशुद्धि पाई जाती है वो बड़ा है, जितनी अधिक पाई जाए उतना अधिक बड़ा है, और जितनी कम पाई जाए या बिल्कुल ही नहीं पाई जाए तो बड़ा, मतलब उसमें भी ठीक है, और बिल्कुल ही न पाई जाए तो वो पूजनीय वंदनीय भी नहीं है। ऐसे ये रिद्धियों के संबंध में प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि पढ़नी है। ये विकल्प दूसरे आ गए थे उसकी चर्चा अपनी कर ली है, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद बहुत विकल्प आते हैं, इधर भी और उधर भी, जो स्वाध्याय करते हैं पूर्व में उसके भी विकल्प आते हैं। सही है। भाई जी का प्रश्न है कि यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, कोई आकुलता नहीं है, दूसरी भाषा में मोटी भाषा में कहे कि यहाँ तो कोई कषाय उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही गृहस्थी आदि में निकल जाते हैं यहाँ से तो बाहर में कषायें होने लगती है। अब प्रश्न ये है कि उत्पन्न क्यों होती है, सीधी सी बात यह है, और उसका सच्चा जवाब तो ये है कि दो कारणों से कषायें उत्पन्न होती है। अब अपनी कषाय कौन सी है इसका निर्णय स्वयं कर लें, या दोनों ही प्रकार की है या दोनों में से कोई एक है। एक तो होती है तत्व ज्ञान के अभाव में कषाय उत्पन्न होती है, और एक होती है चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, तीव्र उदय से होती है। ज्ञानी के तो चारित्र मोहनी के तीव्र कर्म, वहाँ तीव्र शब्द का प्रयोग किया क्योंकि साधना करते करते कषाय रहित अनुभव करते करते भी कषायें उत्पन्न होती हैं। तो अपनी कषाय कौन सी, तत्व ज्ञान पूर्वक है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और तत्व ज्ञान के अभाव में है तो जागने की अत्यंत आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट हो गया हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कषाय रहित ही हो जाता है,
लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि हम अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं। पहली ये अपनी परीक्षा करें, दूसरा ज्ञानी है या अज्ञानी उसकी बात नहीं। हम यदि ज्ञानी हैं, आत्मानुभूति हमको हुई है और आत्मानुभूति पूर्वक हम अपना जीवन जी रहे हैं और ऐसे में कषायें उत्पन्न होती है, तो वो इतनी चिंता वाली आवश्यक बात नहीं है। और सही मायने में सम्यक ज्ञान प्रकट होने तक ही उपदेश कार्यकारी हैं, बाद में तो वो जीव अपने आप ही तत्व चिंतन के द्वारा, तत्व मनन के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा समझ लेता है। दूसरी बात, ये तो कौन सी इच्छा है या कौन सी कषाय है। अज्ञान पूर्वक कषाय हैं तो चिंता की बात है, और ज्ञानपूर्वक यदि कषाय होती है तो वहाँ चिंतवन की बात होती है और ज्ञानी के सहज पाया जाता है। अज्ञानपूर्वक जो कषाय होती है, वो कषाय यदि अज्ञानपूर्वक है तो चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उपदेश की बातें हैं। पहली बात तो ये कि मनुष्य जन्म का एक एक समय हर समय ख़त्म होता जा रहा है। हर समय नहाने में, धोने में, आने में, जाने में, और धीरे धीरे करके ये समय ऐसा बीत जाएगा कि इसके लिए बहुत सारे उदाहरण आचार्यों ने दिए कि जैसे हाथ में रखी हुई रेत एक एक कण करते करते पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है, ऐसे ही वास्तव में बहुत गहराई से विचार करने की बात ये है कि इतना बहुमूल्य एक एक समय जिसको मैं विषय कषायों में, पर पदार्थों की संभाल में, घर की संभाल में, मकान की संभाल में, रुपए पैसे की संभाल में, यहाँ तक कि वो हिसाब किताब में जोड़ने में, घटाने में, ये वास्तव में मनुष्य भव की हार है। संसार का बढ़ना यदि हमारे परिणामों के द्वारा, मनुष्य होते हुए अपने परिणामों के द्वारा यदि संसार ही बढ़ता है, संसार की ही वृद्धि होती है, तो ये मनुष्य जन्म का, जन्म की हार है, पराजय है। कार्य ऐसा करना चाहिए कि जिससे परिणाम ऊर्ध्व हो और हमारी आत्मा ऊर्ध्व अर्थात सिद्ध शिला में विराजमान होने की ओर अग्रसर हो, तब तो ये मनुष्य भव की जीत है। और यदि हम यही विषय कषायों के, भोगों के, छोटे मोटे काम, वही कषाय, वही भोग और वही मकान दुकान, वही परिवार, वही परिग्रह, उसी में फंसे पड़े हैं, उन्हीं की इच्छा करते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी उसी की इच्छा करते हैं, आने से पहले भी उसी की इच्छा करते थे, अब यहाँ बैठ कर के भी, संजय जी नींद आ रही है, पिताजी देखो इस उम्र में भी कितने उत्साह से सुनते हैं, बात समझ में आ गई कि क्या कर रहा है जीव सुबह से उठ कर के, विषय कषायों में इसकी बुद्धि पड़ी रहती है, सुबह उठा तब से, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा राग इस शरीर से, ये जड़ है, पुद्गल है, सब जानते हैं, और नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी, ये भी जानते हैं कि साफ करते करते भी साफ नहीं होगा, धोते धोते भी स्वच्छ नहीं होता है, कितनी भी इत्र आगे स्प्रे वगैरह कर ले भैया, डीओ और क्या क्या चीज़ें आजकल निकली हैं, तो भी बदबू आनी आनी, 24 घंटे शरीर की संभाल, शरीर की सुरक्षा। और तत्व ज्ञान ये कहता है, जिनागम ये कहता है कि शरीर जड़ है और उसकी व्यवस्था के लिए एक कर्म भिन्न रूप से स्थापित है, नाम कर्म,
93 भेद है इसके, और वो सारी व्यवस्था उसकी देख रहे हैं। अब वो सारी उसकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तू क्यों दिमाग लगा रहा उसमें, और उसकी इच्छा उसके लिए कषाय करके कर्मों का बंद क्यों कर रहा है। सही बात तो यही है, देखो अच्छी लगे बुरी लगे जैसे भी लगे, कषाय उत्पन्न क्यों होती है, उसका मूल जवाब तो यही है कि तेरे भीतर मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम तीन चीज़ें हैं। मिथ्यात्व है, टोडरमल जी साहब ने सातवें अधिकार में इसकी विस्तार से और जगह जगह चर्चा की, तीन ही दोष है वास्तव में। पहला दोष मिथ्यात्व, दूसरा दोष अज्ञान, और तीसरा दोष है असंयम। तीन ही दोष है बस, इन तीन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करो, नहीं है बात समझे। लेकिन इसमें भी क्रम है साहब, मिथ्यात्व तो पढ़ा रहे ताराचंद जी साहब, और संयम ग्रहण कर ले, फिर क्या है तरह तरह के नए नए सिद्धांत पैदा हो जाते हैं। किस वजह से कि मिथ्यात्व तो रहता है जीवन में, और बाहर से संयम ग्रहण कर ले, बात समझ में आ गई। तो उसमें इतने 363 क्या 663 मत पैदा हो जाएंगे, तरह तरह का उपदेश शुरू हो जाएगा। द्वादशांग की जगह जिनवाणी 24 अंग वाली हो जाएगी, क्योंकि मन गढ़ंत उपदेश शुरू हो जाएगा, मन गढ़ंत क्रियाएं शुरू हो जाएगी। और भोले भाले जो संसार के जीव है वो करे भी क्या, बेचारे जीवों को सच्चा उपदेश नहीं मिलता, इसलिए जो कोई दूसरा जैसा बता दे वैसा मान लेते हैं। अब ये माला जपो तुम्हारी दुकान अच्छी चल जाएगी, बात समझ में आ गई, माला जपने से तुम्हारी दुकान अच्छी चल जाएगी। ऐसा करो तुम ये विधान कर लो, 64 रिद्धि विधान कर लो ताराचंद जी, आपके खूब पैसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। असल में टोडरमल जी ने तीन जगह भोला शब्द का प्रयोग किया, और वो लोगों के लिए कहा। दोष किसी भक्त का नहीं होता है, दोष उपदेश दाता का होता है, चाहे पंडित हो चाहे कोई भी हो, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अंतरंग में कषाय नहीं रखे और वचनों से कषाय पोषण का उपदेश नहीं करें। वक्ता कैसा होना चाहिए कि अंतरंग में कषाय नहीं हो और बाहर में भूल करके भी कषाय पोषक उपदेश नहीं दे, और यथार्थ तो उपदेश दे, कोई सुने अथवा नहीं सुने। सीधी सी बात हमेशा याद रखना कि कोई भी उपदेश हो उस उपदेश से कभी भी सभी जीव संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हर जीव अपनी इच्छा के अनुसार कषाय के अनुसार तत्व को सुनना चाहता है, और तत्व कभी उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है, वो तो वस्तु के स्वरूप के अनुसार होता है। बात समझ में आ गई है। अंतरंग में अंश मात्र भी कषाय नहीं रहे कि मैं स्वाध्याय कराता हूँ ऊपर गणधर के गद्दी पर, गणधर की कुर्सी पर विराजमान हूँ तो लोग मेरा सम्मान करें, मान करें, ये करें वो करें, ये सब वास्तव में बेकार की कषायें हैं। एक एक समय कितना मूल्यवान है मनुष्य जीवन का, और विषय भोगों के लिए यह जीव उसको व्यर्थ गंवाता है। इसके लिए उदाहरण दिया कि जिस चिंतामणि रत्न से संसार की दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है, उससे यदि कोई जीव धतुरे आदि तीव्र भूखा जीव है, जिससे नशा उत्पन्न होता है, जिससे मृत्यु होती है, ऐसे फल आदि को खरीदे तो कितना बड़ा मूर्ख समझ लीजिए उसको,
ऐसी ही मूर्खता ये जीव करता है, लेकिन अपने आप को समझदार समझता है। ये भी एक विडंबना है कि जिस समय या जिस एक समय में अतींद्रिय आनंद और अतींद्रिय सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे उस समय को मनुष्य जीवन के उस समय को यह जीव विषय कषायों में भोगों में बिता देता है। जिस समय इसे अतींद्रिय सुख की प्राप्ति हो सकती है, वो पूरा का अंतर मुहूर्त समझ लीजिए, समय पकड़ में नहीं आए तो मोटी बात। जिन क्षणों में यह जीव अतींद्रिय सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकता है, उन क्षणों को यह जीव विषय भोगों में, विषय भोगों की भट्टी में बिता करके आगामी संसार को बढ़ाता है। चर्चा संग्रह में इसके लिए तीन उदाहरण दिए, तीन प्रकार के परिणामों के लिए, कि कोई समय, जैसे लोहे का उदाहरण दिया कि लोहे को कोई व्यक्ति उस भट्टी में से निकाले, कोयलों के भीतर से निकाले, लाल हो चुका है, कोयले की भट्टी में से बाहर निकाला और निकाल करके दोबारा उसी आग में दे दे, तो लोहा कब शांत होगा, ठंडा होगा। दूसरा उदाहरण दिया कि उस दूसरा मतलब दूसरे भाव को समझाने के लिए उदाहरण वही चल रहा कि उस लोहे को आग की भट्टी में से निकाला, कोयले में से निकाला, जमीन पर रख दिया तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। और तीसरी उसी की बात उदाहरण के रूप में बताई कि उसी लोहे को बाहर निकाल करके यदि पानी में डाल दिया जाए तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो तीन परिणामों को समझाने के लिए उदाहरण दिया, उसमें से निकाला भट्टी में से, दोबारा भट्टी में दे दिया, कब ठंडा होगा कि कभी ठंडा ही नहीं होगा, जमीन पर रख दिया तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और यदि उसको पानी में डाल दिया जाए तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ बैठे तब तक तो ऐसा लग रहा कि परिणाम शांत है, फिर दोबारा उठते ही भट्टी में डाल देंगे तो परिणामों में शांति कहाँ से होगी। भट्टी में डालने से कषायें उत्पन्न होती है, जीव अपने आप को परद्रव्यों से जोड़ता है, परद्रव्यों में किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानता है, इसलिए यहाँ से उठकर जाने के बाद कषायें ज्यों की त्यों होती है। नींद तो नहीं आ रही सुनते सुनते, हाँ बड़े मुश्किल से मनुष्य भव मिला है, और उनकी तरह ये बीत जाए तो क्या कहे उसके लिए। एक तो ये इच्छा मतलब कषायें उत्पन्न इसलिए होती है, एक तो अज्ञान के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से और असंयम के कारण से। मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण से कषायें उत्पन्न हो रही है तो चिंता की बात है, लेकिन असंयम के कारण से हो रही है तो वहाँ पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ करें। और सीधी सी बात है कि सम्यक दर्शन होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो सिद्धों की तरह या अरहंतों की तरह या मुनियों की तरह कषाय रहित हो गया। तो कषाय इसलिए उत्पन्न होती है कि अंतरंग में तत्व ज्ञान का अभाव है तो उत्पन्न होती है, और भीतर चारित्र मोनि की कमी है, चारित्र की कमी है तो उससे भी कषायें उत्पन्न होती है। उपदेश वाली बात यदि आचार्यों के अनुसार करें कि इच्छाएं होना ये तो साधक दशा में संभव है, लेकिन इच्छाएं रखना ये साधक दशा में संभव नहीं होता है। दो बातें अलग अलग हैं, इच्छाएं होना ये साधक दशा में संभव है, लेकिन इच्छाओं को रखना ये साधकता में बाधक है और साधकपना रहता ही नहीं है। शब्दों का फेर है लेकिन अर्थ की गंभीरता है इसमें।
इच्छाएं होना, ये तो साधक दशा में, चतुर्थ गुणस्थान में उसके अनुसार चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है ये तो निर्णय कर लेना, इसकी चर्चा अपन कभी करेंगे। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी इच्छाएं होती है, साधक दशा में चतुर्थ गुणस्थान है, पांचवा है, छठा है, जो गुणस्थान है गुणस्थान में जीव के भूमिका के अनुसार कषायें होती है। कषायें होना ये तो साधकता में बाधक नहीं है, लेकिन कषायों को रखना, जीवित रखना, उनका अभाव नहीं करना, उनकी संभाल करना, उसके अनुसार आचरण करना, तो ये सब साधकता में बाधक है। और इच्छाएं होती है इस बात को स्वीकार करते हुए उमा स्वामी जी कहते हैं इच्छा निरोधस तपह, वे स्वीकार किया तभी तो निरोध है, ये करते उसमें से ये भी समझना कि इच्छाएं होती है, लेकिन इच्छाएं होने पर दो चीज़ें रहनी चाहिए, एक तो तत्वज्ञान और एक पुरुषार्थ। कितनी चीज़ें रहनी चाहिए? इच्छाओं के काल में दो चीज़ें रहनी चाहिए, एक तो रहना चाहिए तत्वज्ञान और दूसरा रहना चाहिए पुरुषार्थ, बस दो ही चीज़ें चाहिए कि इच्छाओं से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ, ये विभाव भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये हेय तत्व है, ये मुझे करने योग्य नहीं है, इससे संसार और आकुलता की वृद्धि ही होती है, निराकुलता प्रकट नहीं होती है, कर्म का बंध होता है, कर्म की निर्जरा नहीं होती है, ऐसा और मूल कि ये इच्छाएं मेरे स्वरूप से विरुद्ध है, मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है, मैं इससे भिन्न स्वरूप वाला हूँ, इतना तो तत्व ज्ञान इच्छाओं के काल में रहना चाहिए, और दूसरा इच्छा कहो या कषाय कहो, और उसी काल में पुरुषार्थ तो हो कि कैसे इससे का अभाव करें, इच्छाओं का कैसे अभाव करें, ऐसा पुरुषार्थ भी उस काल में जागृत रहना चाहिए, क्योंकि कदाचित अभक्ष सेवन की इच्छा हो तो चाहे जितना कष्ट हो, चाहे मरण हो जाए, लेकिन मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूँगा, ऐसा पुरुषार्थ का वीर्यांतराय का एक शोभशम उस काल में रहना चाहिए। तो दो चीज़ें यदि जागृत रहती है तो कषाय होना ये घबराने की बात नहीं है, अपने आप को कषाय रूप अनुभव करना ये चिंता की बात है, भावावेश में समय का ध्यान नहीं रहा, तो 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, बाकी चर्चा अपन कल कर लेंगे।